मम्मी 3 बजे उठ के बंद कर देती है। क्या मैं कितना खुश हुआ था जब तुम्हारे पक्ष में कमेंट परिवार में दिल मिला गए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है परब की वीडियो परब के व्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है। सुबह सुबह जब हम बाहर को आए तो हमने देखा कि बारिश हो रही है। मेरी तबीयत भी पहले से ठीक है, आज थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ। और इन्होंने बारिश में ही ये देखो ये पोछा लगाने की कोशिश की है बाहर। मम्मी वाले काम हर बार ही खराब होता है, अंदर तो वैसे ठीक हो गया, अंदर भी सब सफाई हो गई है और अच्छी लाइट आ रही है। कैसे लग रहे हैं हम? बढ़िया। ठीक हो आप? हाँ। पढ़ाई कब तक की? 1 बजे तक। क्या क्या पढ़ लिया? मैंने कुछ आर्टिस्ट के बारे में पढ़ा। और सब सुन लूँ फिर मैं? नहीं, अभी रिवाइज कर रहे हैं, नोट्स बनाया। ठीक है। मैंने बहुत दिनों बाद ये पहनी ना हुडी काली। हुडी नहीं है, हुडी सैंडो। बाय बाय पापा, बाय बाय भैया। भैया ये देखो, इधर नींबू पानी बन रहा है। कल मैंने इनको पिलाया था तो आज इनसे बदले ले रही हूँ। ये क्या बात है, मैं आगे से तो पीऊंगा ही नहीं। फिर अगर पिलाओगी ना, मैं मैंने क्या क्या नहीं पियोगे, पिलाना पड़ेगा। क्या क्या नहीं पियोगे, क्या क्या नहीं खाओगे आप, ऐसे तो भूखे मर जाओगे। अच्छा, इसलिए कि मैंने इसलिए किया कि अब तुम मेरे को वापस करके दिखाओ। मैं देख रही हूँ आप भूल तो नहीं गए एक दिन में बीमार होके। जब तुम बीमार होगी कर दूंगा। अच्छा, बीमार होने की वेट करोगे करने के लिए? ऐसे नहीं करके दोगे? वैसे ओ हो, अच्छा, इतना निचोड़ दूंगा, इतना निचोड़ दूंगा। मैंने नहा लिया है और अब मैं जा रही हूँ अपना व्लॉग एडिट करने। पतिदेव लेके आएंगे नींबू पानी। इधर आज बनी है मिस्सी रोटी और पतिदेव खाने लगे हैं मिस्सी रोटी विद बटर। मम्मी घर में खाना खा रहा हूँ, बाहर नहीं खा के आया। मम्मी कह रही मेरे पीछे ही पड़ गया अभी। हाँ, अब आगे से बोलेंगी नहीं ना, फिर बोलेगी फिर भी। अब प्रभ खुद भी खाने लग गई है परोठे, तो कितने स्वाद बने बताओ। सच में बहुत टेस्टी बने हैं ना। मुझे तो ऐसे मिक्स वाली रोटी वैसी बहुत पसंद है। और ये सब्जी जो बची थी मम्मी ने उसका बनाया है। हाँ। बहुत टेस्टी बना। स्वाद नहीं लग रही थी, हाँ। वो ज्यादा गर्मी थी, पता नहीं क्या हुआ, 3-4 सीटी लगा दी मैंने। बेटा देखो मेरे बाल कैसे हो गए। अरे मम्मी, मैंने मामा अर्थ का कर्ड शैम्पू मंगवाया तो था, आप वो यूज करो ना। रुको मैं लेके आती हूँ। ये देखो, ये कर्ड स्मूथनिंग शैम्पू है और ये है कंडीशनर। अच्छा, इससे ठीक हो जाएंगे? हाँ, इससे बहुत अच्छे हो जाएंगे। चलो मैं तो फिर अभी धो के आती हूँ सिर को। दोस्तों, कर्ड बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। मैंने आपके साथ पहले रेमेडी भी शेयर करी है और आप सबको पता ही है कि हम कर्ड को अगर बालों में लगाते हैं तो ये हमारे बालों को बहुत ही स्मूथ और सिल्की शाइन देता है। इसीलिए मैंने मामाअर्थ से मंगवाया है कर्ड स्मूथनिंग शैम्पू और कंडीशनर। ये बना हुआ है कर्ड और केराटीन से। इसमें है कर्ड जो एक नेचुरल कंडीशनर है, केराटीन है जो हमारे बालों को मजबूत करता है, और ये दोनों मिलके हमारे बालों को सिल्की और स्मूथ लुक देते हैं। दोस्तों, मामाअर्थ के सारे प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल केमिकल फ्री है, इनमें बिल्कुल केमिकल नहीं है। मामा अर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव इंडियन ब्रांड है और अब मामा अर्थ ने अपनी एक ऑफिशियल वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है और आप बेटर डिस्काउंट के लिए उनकी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। तो आप जब भी मामा अर्थ से कोई प्रोडक्ट बाय करते हो तो ये आपके ऑर्डर को एक पौधे के साथ लिंक करते हैं और इनका मोटिव है कि ये 2025 तक 1 मिलियन तक पौधे लगाएं। मामा अर्थ के प्रोडक्ट जो है ये मामा अर्थ के ऐप पर अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नाइका और पर्पल पे भी अवेलेबल है। आजकल मामा अर्थ के प्रोडक्ट ऑफलाइन स्टोर्स में भी अवेलेबल हैं। अगर आपके नियर बाय स्टोर्स में मामाअर्थ के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 20% डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड भी यूज कर सकते हो, PRABHK2023। इसकी फ्रेग्रेंस इतनी सुंदर है ना कि आप जब बालों में लगाओगे आपको सब पूछते हैं आप बालों में क्या यूज करते हो। मैं मामाअर्थ का शैम्पू और कंडीशनर पिछले 1 महीने से यूज कर रही हूँ और इतने स्मूथ और सिल्की मेरे बाल हो गए हैं। नहीं तो समर्स में हमारे बालों की हालत इतनी खराब हो जाती है स्वेटिंग से और डस्ट से, लेकिन मामाअर्थ के शैम्पू ने आप मेरे बालों को बिल्कुल बचा के रखा हुआ है। और ये है मामाअर्थ का कंडीशनर। कर्ड और केराटीन के गुण तो इसमें भर भर के भरे हुए हैं। अभी आ गई है नोबिता की पनीर खाने की बारी। ये नोबिता की चींची है, लो खाओ। एक अच्छी नैप लेके 2-2.5 घंटे सो के अब हम जा रहे हैं बाहर। मुझे अपने कुछ प्रिंट आउट बाहर जा रहे हैं, कुछ खा के आएंगे। मुझे मेरे कुछ प्रिंट आउट्स लेने हैं और तो उसके बाद हम खाने के लिए लेके आएंगे। इस बार तो घर ही लेके आएंगे, वैसे तो हम खाते नहीं है पर जब हम खाते हम तो दिखाते हैं आपको, पता ही है लेके ही आते हैं। तो अभी मम्मी का पूरा वहम तोड़ेंगे, मम्मी को सरप्राइज करेंगे घर में लाके।
फिर नहीं खाएंगे खाना, फिर करेंगे मम्मी अब तो खा लिया खाना। मैंने अपने फ्रेंड्स ले लिए हैं और ये देखो मेरा चटोरा पति अब पहले गोलगप्पे खाएगा। मम्मी सही कहती है, मम्मी बिल्कुल सही कहती है। घर के लिए भी लेके जा रहा हूँ। चाहे लेके जा रहे हो, चाहे कहाँ लेके जा रहा हूँ, फिर भी खाना है मतलब, है ना, चटोरे कहीं के। जो ताजा ताजा यहाँ खाने का वो मतलब मजा है, वो घर जाके नहीं आया। तो हमने एक गोलगप्पे खाए थे, गोलगप्पे पैक भी कर लिए, और ये हैं हमारे बर्गर नूडल वाले जो मम्मी को बहुत पसंद आए थे, और साथ में ही नूडल हाफ नूडल वो देखिए वो हमारी पैक होके आ रही है। आप खाओगे नूडल? चलो देखते हैं घर जाके। ये लो मम्मी बाहर से लेके आ गए। अच्छा आप खा गए? नहीं खाया मैंने यार। खा के आए? मैंने खाया, गोलगप्पे खा के आया, गोलगप्पे लेके भी आया हूँ। तो फिर आप तो ऐसे बोल रहे थे खा लिया खा के आया। नहीं नहीं मैंने तो ये बोला तुम खा के आया तो तुम्हें रोटियां नहीं खाई, तुमको इतनी मर्जी मिर्च लगी मेरे इसके। बहू ने कुछ नहीं बोला? नहीं बहू तो क्या बोलेगी, आप बचपन से ऐसे बोलते हो। बिल्कुल नहीं बोलते, अभी भी वही है सुई, अभी कभी लेके भी आते अभी कभी खा के आते हो। अरे यानी लेके तो आते हो, खा के भी आते हो ना, क्या मतलब? तुम्हारी कोई बात नहीं बन रही, ठीक है ना? क्यों नहीं बन रही है? बिल्कुल सही बन रही है। लोग सारे मेरे को कमेंट करके पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? मेरे को मैसेज करना, ठीक है? फिर मेरे को बच्चे पढ़ के सुनाएंगे कि वो गलत कर रही हूँ सही कर रही हूँ। खाते कि नहीं खाते? बस अरे कौन नहीं खाता, जिसके मुंह लगा वो खाएगा नहीं। क्यों तू चिड़ा? तो ये क्यों कहती है कि खा के आगे होंगे तभी घर में खाना नहीं खाता? कल मैं बीमार था कितना ज्यादा, तो बड़ी टप 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 हो रहा है आज, ठीक हूँ, पूरा बीपी हाई है मेरा। ठंडे हो जाएंगे। पहले क्या खाओगे, गोलगप्पे के बर्गर? बर्गर है, नूडल है, गोलगप्पे है, बताओ। और बर्गर भी नूडल वाला है। पहले नूडल बर्गर खा लेते, ठंडी चीज बाद में खा लेते। ऐसी खाओगे, प्लेट नीचे रखनी है। नूडल भी ज्यादा तलवाए हैं। मैं तो सब्जी बनाई, अब रात को नहीं खाया ना खाना, तो मैं कहूँगा मम्मी खा लिया होगा। खाई लिया, वो तो सब देख रहे हैं, खा लिया। वो तो खाई लिया, अब भैंस थोड़ी है, गर्मी है। भैंस नहीं हो आप एनाकोंडा हो। प्रभ मुँह च पानी आ रहा। क्या मिली बाबू ने क्या खाना है भाई, इसको क्या दूं? इधर मेरी और मम्मी की अभी बर्गर पार्टी चल रही है, और इधर पतिदेव ने नूडल खोल लिए हैं, और ये सारी पार्टी प्रभ की तरफ से है। किसी की भी तरफ से है? आपकी तरफ से भाई, आपकी तरफ से। गंडोए खाऊंगा। गंडोए जैसे होते जा रहे हो आप। इसको फिटनेस बोलते हैं। अच्छा अब मम्मी गोलगप्पे खाने लगे हैं। एक फिर कटा दिया, देखो क्या हो गया। गोलगप्पे सात आते थे, छह कर दिए। क्या हो गया? अब तो बजाजी पर वीडियो, अब मुंह देखो मम्मी का। एक ना कमेंट आया है, और ये है सुमितानंद, तो लिखा है ऐसे मौसम में पसीने के साथ सॉल्ट की कमी हो जाती है जिसका असर बीपी पर होता है, इसलिए ड्यूरिंग दिस सीजन सॉल्ट हैव मोर सॉल्ट इन योर डाइट। मम्मी सही बोल रही हैं, आप लोग वैसे भी बाहर काफी खाते हो। एक वोट चलो नंद, क्या नाम था उनका? सुमितानंद। सुमितानंद जी आपके कमेंट से मम्मी खुश हो गई है, और आपका नाम भी ले लिया, और आपके कमेंट का रिप्लाई भी कर दिया। देखो अचानक ही हुआ ये, हमने कुछ सोचा था तब बता रहे, पर पढ़ने लग गई मम्मी खुश हो गई। ना तुमने इन्हें चिड़ा रखा, तुमने भी इन्हें चिड़ा रखा था ना मेरे को, जिन्ना कल से मेरी रेल बना रखी है रेल। तू तो मैं बाहर खा के आ गया, हम तो बाहर खा के आ गए, मेरी जीना हराम कर रखा, बहुत बड़ी मेरे को खुशी आई है। इतना और कमेंट है ज्योति बंधन का, कहती मेरी सासू माँ को भी यही लगता है कि बाहर गए हैं तो कुछ खा के ही आएंगे,
सबकी मम्मी ऐसे ही बोलती है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ को ये लगता था कि हमें हमारे साथ ही ऐसा होता है, आज पता चला कमेंट्स में कि सबके साथ ऐसा होता है। मैं कितना खुश हुआ था जब तुम्हारे पक्ष में कमेंट आया है, अपनी बार में तिल मिला गए पूरे, अपनी बार में तिल मिला गए, तिल मिला और छपरी कॉलोनी के लोगो। क्या बोल रही हूँ, क्या पांच होएंगे, सौ में से छह में से पांच होएंगे, क्या सफाइया ने सफाइया नहीं सुननी हमने सफाइया। ज्योति बंधन जी लव यू, ज्योति बंधन जी दावाद, मैंने सुनने नहीं आवाज, मैंने कुछ बोला जब आपके लिए कमेंट आया, मैंने कुछ बोला यहाँ से पता लगता है इनके बारे में, देख लो अपने खिलाफ कमेंट आया साथ ही साथ ही अन्य नहीं है। 30 दिन होते, 30 दिन में तुम पांच दिन घर खाते होंगे, 25 दिन बाहर खाते हैं। 25 दिन कहाँ से बाहर खाते हैं हम? अरे उसमें देखना, किसमें देखना 25 दिन तो हम साथ भी नहीं रहे, 25 दिन तो हमें साथ रहते नहीं, देखना उसमें से 15 दिन तो उड़ीसा में थे हम। अरे उसी बात, अच्छा तब भी बाहर से खाया, रोज बाहर से खाया, खाओगे चाहे रुकती खाओगे जरूर। नहीं आप नहीं खाते? मैं भी खाती हूँ, मैं भी खाती हूँ, ये नहीं सुधरने वाली मम्मियाँ। अभी मैं और मम्मी देख के आए हैं मेरी पैंट जो लवी भैया और दीपाली भाभी ने गिफ्ट दी थी, वो मेरे 2 साइज बड़ी थी, तो अभी वो हमने ऑल्टर कराने के लिए दी है, वो ऑल्टर हो जाएगी कल शाम तक। हम परसों भी गए थे पहले एतवार, हाँ, उस दिन बंद थी शॉप, संडे अच्छा, भी आए थे। बेटी मेरी बहू को याद ही नहीं है, मेरे को 3 बार याद आ गई, घर जाकर फिर भूल जाती हूँ। अभी मैं याद कर करके गई मम्मी उधर जलंधर वाली मम्मी की तरह, उनको कोई एक बार मेरी पैंट को सिलाई लगवानी थी तो मम्मी पूरे रास्ते गाती हुई गई, सिलाई लगवानी है पैंट को, सिलाई लगवानी है पैंट को, सिलाई लगवानी है, फिर मम्मी को याद रहा, वो भी भूल जाते थे। मैं भी यही किया आज। अब सब आ गए हैं एसी में, पापा भी आ गए हैं, मम्मी हेडफोन लगा के फोन चला रही हैं। देखो हम तो बड़ा शुक्रगुजार मानते हैं, हमारे ना लाइफ को, इसी लाइफ को सक्सेस मानते हैं कि हमारे एक कमरे में एसी है। हम कहते हैं ये सच्ची बात है, मजाक की बात नहीं है, हम मिडिल क्लास फैमिली के लिए यही एक सपना है कि एक कमरे में एसी है और पूरा परिवार उसमें रह रहा है, ठीक है, और हम इसका शुक्रगुजार मानते हैं लोगों को। पहले यहाँ पे कूलर होता था और यहाँ पर्दे हैं यहाँ पे, वहाँ पे तब भी हम पूरा परिवार इसी तरह सोते थे, उससे पहले फराटा होता था, ऊपर फराटा लगता था, उसके सामने 3 मंजे लगते थे और उसके आगे सोते थे, है ना मम्मी, पूरा परिवार जैसी बारिश आती थी नीचे भाग के आते थे। थोड़े मौसम में होता है, जैसे मई अप्रैल, अप्रैल मई तक ठीक रहेगा, जून जुलाई अगस्त में वो चिपचिपाहट होती है, बारिश वाले मौसम में बहुत ज्यादा चिपचिपाहट होती है कूलर में, तो कूलर में बहुत टाइम रहे, अभी थोड़ा एसी में सुकून मिलता है, मगर कहीं ना कहीं ये भी पता है कि हम ग्लोबल वार्मिंग का हिस्सा बन रहे हैं, चीजें खराब हो रही है, मगर चलो हमने एक ही लगाया और पूरा परिवार उसमें रहता है, ऐसा नहीं कि अलग अलग कमरे में बैठ के हम एसी लगा के बैठे हैं, उतना हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते, उतना भी क्या, मम्मी 3 बजे उठ के बंद कर देती है। कल नहीं किया, आज नहीं किया, रिमोट ही मैंने रखा, रिमोट भी मम्मी के पास था, रिमोट ले लिया, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है कि एसी कमरे में। मम्मी 4 बज गया, बंद कर दो, कह रहा है आज मैं तो बंद नहीं कर रही थी, मैं तो तो मैंने मम्मी को कहा मम्मी मेरा बीपी कम हो गया था तो बंद ना करना एसी, तो रिमोट मेरे पास रखा मेरे पास। तो ये बातें में से बातें निकल जाती हैं, पापा फिर पैर दबाने का बहाना ढूंढ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो, ये व्लॉग यहीं तक था, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।